वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम हमेशा से आपकी मुलाकात कराते हैं उन लोगों से जो कि दूसरों के लिए इंस्पिरेशन तो होते हैं, अपनी फील्ड में बहुत ज़बरदस्त कमाल महारत रखते हैं। सो इन लोगों को मिलवाने का मतलब ये होता है कि इनको अप्रिशिएट तो करना ही करना है, उन लोगों के लिए मोटिवेट ज़रूर मोटिवेशन बनना होता है जो कहते हैं कि अच्छा जी थोड़ी से कम वसाइल में हम काम नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हमने ऐसे भी आपसे मिलवाए जिनके पास वसाइल ना होने के बराबर थे और वो किस लेवल पर पहुँच गए। मेहनत आपकी कभी रायगा नहीं जाती। आज की मेहमान का तारुफ मैं कराना चाहूँगी, सना सईद हमारे साथ मौजूद हैं, पेंटर हैं। सो ज़बरदस्त काम उनका स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे। सो वो इस फील्ड में कैसे आईं और कैसे उन्होंने इस फील्ड में अपना नाम बनाया, अपना काम कैसे मनवाया, ये जानेंगे हम सना से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक सना, कब ये फील्ड ज्वाइन की? प्रोफेशनली तो 2010 से, लेकिन बचपन से ही रंगों और किताबों के बीच में पली बड़ी। बहुत मुश्किल चीज़ है, मतलब मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने हर बंदे में कुछ सलाहियत तो रखी है, लेकिन आपके हाथों में कुछ स्पेशल सलाहियत होती है। सो इसमें निखार कैसे लेकर आती रहीं, कब पता चला कि आप बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग कर सकती हैं? ये ज़बरदस्त पेंटिंग का तो मैं नहीं कह सकती, वो तो लोग बताते हैं या व्यूअर्स बताते हैं, बट देर इज़ अ सर्टन कंसिस्टेंसी कि आपने रोज़ उठ के अपने स्टूडियो में जाके पेंट करना है। आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप कंबल में बैठ के रो सकते हो। तो एनवायरनमेंट वो वाला बनाना बहुत ज़रूरी है। एनवायरनमेंट अपने आप को धक्का देना ज़रूरी है अपने आप को, क्योंकि आपके अंदर कोई आवाज़ है जो कॉन्स्टेंटली आपको उठा रही है। पेंटर हमेशा किसी ना किसी वजह से पेंट करता है, हमेशा उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई तकलीफ होती है जो उसको उठाती है अपनी जगह से कि आकर ये एक्सप्रेस करो। आर्ट में भी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं, बहुत सारी फील्ड हैं, आपने कौन सी सिलेक्ट की, कौन सा आपका बेस्ट पार्ट है? आर्ट में बेशक बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, लेकिन मेरा हमेशा रुझान रहा पेंटिंग की तरफ। तो विजुअल आर्ट्स में मेरी डिग्रीज हैं और विजुअल आर्ट्स में बहुत कुछ इंक्लूड होता है। उसमें आप स्कल्प्टर भी ले जाते हो, उसमें आप मिनिएचर पेंटिंग भी आती है, लेकिन जो कैनवस पे पेंटिंग है वो मेरा पसंदीदा जो मटेरियल है वो है। एक पेंटिंग कितनी देर में मुकम्मल कर लेती हैं और क्या हर तरह का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती हैं? चैलेंज ये है कि आपने खुद को देना है। एक पेंटिंग ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ी हो तो वो ज़्यादा देर लगाएगी। कभी कभी बहुत छोटी पेंटिंग कोई विजुअल आपके दिमाग और दिल में घुस जाता है। इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। कभी कभी बहुत छोटी, जैसे मैं आपको बताऊँ, एक आँख है, मैं उसको रोज़ बनाऊँगी, हफ्ता लग जाएगा, महीना लग जाएगा, डेढ़ महीना लग जाएगा, वो आँख मेरे से बात नहीं कर रही है। जब तक नहीं बात करेगी तब तक मैं उसकी जान नहीं छोड़ूंगी। तो इट डिपेंड्स कि क्या। वाह, बड़ी ज़बरदस्त बात की है। सो ये बातें करने वाली जो आपने टर्म बताई, कैसे बातें होती हैं और कौन सी चीज़ आपको लगता है कि अब ये तैयार है और अब मैं इससे खुल के बातें कर सकती हूँ? आर्टिस्ट थोड़े से दिमागी तौर पे मुझे लगता है सोसाइटी में अगर हम उसको कंपेयर करें तो थोड़े से खिसके होते हैं। हल्के से उनको तन्हाई में बातें करने की आदत होती है, हमें हजूम की तरफ जाने की आदत नहीं होती। हमें पेंटिंग आपको तन्हाई की तरफ लेकर आती है। तो जब मैं अपने स्टूडियो में खड़ी होती हूँ, मेरे दीवारों पर जगह जगह पेंटिंग्स लगी हैं, विजुअल्स लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि वो सारे मुझे बता रहे होते हैं कि तुम यहाँ गलती कर रही हो, यहाँ हम पर ध्यान नहीं दे रही, या यहाँ तुमने हमें प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकाला। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी आइसोलेशन इन अ ब्यूटिफुल वे। सो आप आइसोलेशन में बेहतर काम करती हैं कि हजूम में भी काम कर सकती हैं? हजूम में नहीं कर सकती। मुझे लगता है एक अच्छा लिखने वाला, एक अच्छा तहरीर करने वाला, एक अच्छा पेंट करने वाला, उसको आइसोलेशन की सख्त ज़रूरत है। हजूम में जाके आप काम दिखाओ, उसके बाद वापस आओ अपनी ज़िंदगी में बैठो और तन्हाई में काम प्रोड्यूस करो। अगर आपके अंदर सलाहियत है तो आर्ट की एजुकेशन निखार कैसे लेकर आती है? आर्ट की एजुकेशन आपको हम्बल कर देती है। अच्छा। वो आपको डाउन टू अर्थ कर देती है, क्योंकि आर्ट का प्रोसेस आपको इतना तोड़ता है। आप यकीन करें, अगर मैं आपको अभी एक कैनवस और एक कुछ पेंट दे दूँ और मैं आपसे कहूँ कि आप अपना आप बाहर निकालें, आप सबसे पहले अपने आप से सवाल करेंगे कि मैं हूँ क्या, कौन सा रंग मेरे किस इमोशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करता है। वो चीज़ आपको इतना हिला के रख देगी कि आपको लोगों को अपनी सच्चाई नहीं पता होती, पर आर्टिस्ट को रोज़ अपनी सच्चाई को फेस करना पड़ता है। तो वो आपको ना अंदर ही अंदर आपका गरूर ख़त्म करते हैं और आपको बहुत डाउन टू अर्थ कर देते हैं, बहुत नीचे ले आते हैं। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने अपने आप को जानना है तो आप आर्ट का सहारा लें। सना, कुछ डिफरेंट करना हर कोई कहता है कि जी आप कुछ चाहिए तो कुछ डिफरेंट चाहिए। आपके पास ऑप्शंस बड़ी आ गए ना, सोशल मीडिया पे आज आप जाएं तो आपके पास बेतहाशा पेंटिंग्स होती हैं। सो आपका कस्टमर भी डिमांड करता है कि समथिंग डिफरेंट। सो ये डिफरेंट है, क्योंकि हम ज़्यादा लोगों को देखते हैं कॉपी पेस्ट किया काम, गले से उतारा और वो गए। ये डिफरेंट कैसे क्रिएट किया जाता है? ये डिफरेंट ये है कि हर इंसान डिफरेंट है। डिज़ाइनर
या फिर कमर्शियल आर्टिस्ट मेरे ख्याल से लोगों के हिसाब से काम करे, लेकिन जो अपने लिए काम करने वाला पेंटर है वो जब अपने लिए काम करेगा तो जाहिर सी बात है काम डिफरेंट निकलेगा, क्योंकि मेरे जैसा कोई नहीं होगा, आपके जैसा कोई नहीं है, तो जब आप अपने हिसाब से अपने अंदर से आवाज़ सुन के काम करेंगी वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट निकलेगा। काम बहुत आपका ज़बरदस्त है। कभी कुछ ऐसा लगा कि ये बहुत मुश्किल है? रोज़ लगता है, रोज़ लगता है कि क्यों नहीं मैं वो काम करती जिससे लोग खुश हो जाएं, क्यों नहीं मैं वो काम करती जो ज़माने को बहुत पसंद है। लोग मुझे कहते हैं तुम्हारी पेंटिंग्स बड़ी उदास हैं, लोग मुझे कहते हैं तुम्हारी पेंटिंग्स को डाइजेस्ट करना मुश्किल है, थोड़ी थोड़ी कलर पैलेट डल है। आपने बड़े प्यार से पेंटिंग बनाई हो और वो किसी को समझ ना आ रही हो, आपको एक्सप्लेन करना पड़े, कैसा लगता है? गुस्सा तो नहीं आता? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं होता। हर शेर, हर पेंटिंग हर किसी के लिए नहीं होती। पूरे मजमे में एक इंसान को समझ आ जाए बड़ी बात है। बस इतना बड़ा प्रेशर नहीं लेती मैं अपने ऊपर कि 100 लोगों को मेरा काम समझ आए, कुछ नहीं होता। कभी अपना पोर्ट्रेट बनाया? नहीं, खुद का नहीं बना पाती, लोगों के पोर्ट्रेट्स में अपना पोर्ट्रेट ढूंढती हूँ। मुझे लोग कहते हैं कि जब मैं पोर्ट्रेट बनाती हूँ तो आंखें किसी तरह से मेरे अपनी आंखों के साथ रिजेंबल करती हैं। अच्छा, ये भी एक चीज़ है, हम जब स्टूडेंट्स को सिखाते हैं ना, हम कहते हैं कि आप जब भी पोर्ट्रेट बनाएंगे किसी का, आप अपने कुछ फीचर्स या अपनी पर्सनालिटी का कोई पार्ट उसमें डाल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो लोग जो कि ये फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं, सब लोगों को लगता है एक बड़ा सेटअप होना चाहिए, आप जैसे एक स्टूडियो कह रही हैं कि मैंने बनाया, वो स्टूडियो होना चाहिए, महंगे कलर्स होने चाहिए, महंगे ब्रशेज होने चाहिए, पेरेंट्स कहते हैं ये फील्ड, मतलब आप इसमें क्या करोगे बेटा जाकर, स्कोप एज सच नहीं है, पाकिस्तान में इतना स्कोप नहीं है, या फिर आपने अगर आगे जाके कमाना है तो अच्छा कैसे कमा सकोगे, क्या सजेशंस हैं उन स्टूडेंट्स के लिए? आई केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली और ऐसा नहीं था कि कोई हीरे जवाहरात के ढेर लगे हुए थे, लेकिन अगर आपके पास स्किल है ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप कहीं पहुंचोगे नहीं। ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि आर्ट्स की फील्ड बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी हुई है पहले के मुकाबले। पहले होता था क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया नहीं था, आपके पास इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था। अब तो आपके पास सामने एक प्लेटफॉर्म है, अपना काम बनाओ आप लगा। हाँ, आपको किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं क्योंकि आपने उस वहाँ जाके इसकी तशहीर करनी है। हाँ, आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं, आप खुद कर सकते हैं और लोग फीडबैक फौरन देते हैं। सहारे हैं, गैलरीज हैं, पूरी आर्ट मार्केट भी है मुल्क की, लेकिन अगर वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मैं वही कह रही हूँ, किसी एफर्ट की ऐसी जरूरत नहीं है, आप अपनी पेंटिंग अपने सोशल मीडिया हैंडलर पे लगाएं और आपको फौरन फीडबैक आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि आप सोशल मीडिया को जाया नहीं करें। हमारे टाइम पे तो वो नहीं था ना, हमारे टाइम पे तो फेसबुक नई नई आई थी, हमें पता नहीं होता था क्या लगाएं, गंदे गंदे स्टेटस लगाते रहते थे। लेकिन अभी आप आर्ट पेजेस, आप अपनी आर्ट मार्केट वहाँ से चला सकते हैं, यू हैव बिजनेस अकाउंट्स जिनको आप हैंडल कर सकते हैं। टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है क्या? बहुत ज़्यादा। मैं जिस इदारे में पढ़ा रही हूँ NCA, वहाँ पे मैं परेशान हो जाती हूँ कि एक बच्चे के पास देने के लिए इतना कुछ है कि मेरे पास, मेरा ना भर जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है। जब 30-35 बच्चे अपनी आइडियाज़ लेकर आ रहे होते हैं, मैं कहती हूँ मैं कितनी लकी हूँ। ये बातें लोगों को ज़िंदगी में सुनने को नहीं मिलती जो मुझे डेली बेसिस पे मिल रही होती। सो एक्सट्रीमली टैलेंटेड पीपल इन पाकिस्तान। सो आपको अपने काम को लेकर जब लोगों का फीडबैक आता है तो कैसा महसूस होता है? कभी कभी बहुत खुशी होती है और कभी कभी डर लगता है। मुझे एक्सेप्टेंस से बहुत डर लगता है कि कहीं मेरे सर पे ना चढ़ जाए ये चीज़। जब लोग कहते हैं ना वो तुम बहुत अच्छा पेंट करती हो, तो मैं अपने आप को समझाती हूँ कि नहीं, तुम अभी अच्छा पेंट नहीं करती, तुम अभी बहुत बुरा पेंट करती हो, क्योंकि अभी कुछ अंदर जिंदा है जो कह रहा है कि अभी मैं बाहर नहीं आया, तो वो अपने ऊपर नहीं आने देनी। मैं बता रही हूँ ना, आर्ट आपको बहुत हम्बल कर देती है। अच्छी पेंटिंग के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? आपको पेंट कलर का इंतखाब अच्छा करना है, आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है अगर आप एक बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग बनाना चाहते हैं? बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग के लिए सच्चाई की ज़रूरत है। आप जो भी पेंट कर रहे हो आप सच्चाई से पेंट करो। अगर आप, लेट्स से आप कोई टॉपिक पेंट कर रहे हैं, आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करना चाहते हैं, अगर आपको दिल से फ़र्क नहीं पड़ता ना वुमेन एम्पावरमेंट का, तो आप नहीं बात कर सकते, आपकी पेंटिंग में वो नज़र आ जाएगा। तो जो कलर, वो बात की बात है, कैनवस कलर कैसे बनाने, सच्चाई के साथ पेंट करना। क्या पेंटिंग सभी लोग कर सकते हैं? क्या ये वो लोग जिनको अलिफ बे भी नहीं पता, पेंसिल पकड़नी भी नहीं आती, उन लोगों को भी आपने काम करते देखा है? पेंटिंग तो बच्चा भी कर लेता है, पेंटिंग तो एक साल का बच्चा भी कर लेता है, वो तो हमने कुछ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स बना दिए हुए हैं ना, तो पेंटिंग तो इंसान के अंदर पैदा होती है। कुछ लोगों के तो अंदर ही एक सलाहियत मौजूद होती है, कुछ लोगों को उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, आपको लगता है कि बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं?
अल्लाह ताला ने कुछ लोग के अंदर स्पेशल सलाहियत तो रखी होती है, इस चीज से इनकार नहीं है, और कुछ लोग बड़ी मेहनत करके उस मकाम पे पहुंचे। लेकिन मैंने देखा कि मेहनत करने वाले ज्यादा बेहतर तरीके से किसी मकाम पे पहुंचते हैं। बॉर्न आर्टिस्ट को अगर आप बता दो ना कि तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, तुम्हें आता है, तो वो सीखने का अमल रुक जाता है। नो डाउट। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? देखने वालों को ये मैसेज देना चाहूंगी कि हमारे मुल्क में फिल वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है आर्ट एंड क्राफ्ट्स की, कल्चर को रिवाइव करने की। इतना रिच, इतना डीप और इतना सेलिब्रेटरी कल्चर है हमारा, अगर हम उससे हमें अपनी पहचान वापस मिल जाएगी। बिल्कुल, हम भूल गए। बिल्कुल, आपने सही कहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत इंप्रेस हुई हूँ आपकी बातों से, सीरियसली। हमें वाकई ही, हम ना सिर्फ आर्ट बल्कि किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं ना, अपने आप पे ट्रस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, मेहनत की बहुत ज़रूरत है। फिर मैं कहती हूँ, आप नाकाम कहीं पे भी नहीं हो सकते। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।